हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो भाई साहब, हम विराट कोहली के बिना एक मैच नहीं खेल पा रहे हैं, तो सोचो कि भाई आगे क्या होगा जब विराट कोहली खेलेंगे नहीं, इंटरनेशनल संन्यास ले लेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। बहुत दुख हुआ विराट कोहली भाई, लास्ट के 3 टेस्ट मैच भी नहीं खेलने वाले, यानी कि वे इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में एक भी मैच नहीं खेलेंगे। भाई पता नहीं भाई इंडियन टीम का क्या होगा। रविंद्र जडेजा भी चोटिल हैं, अभी तक उनकी कुछ खबर नहीं पता चली है कि वे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और केएल राहुल के बारे में भी भाई कुछ नहीं पता चल रहा है कि भाई खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो देखते हैं। पर हाँ, हालांकि ये पक्का हो गया है कि पहले कहा जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह भाई ये 3rd टेस्ट मैच जो राजकोट में होने वाला वो नहीं खेलेंगे, लेकिन अब बुमराह भाई टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली भाई नहीं खेल रहे भाई, सब बैठ जाएंगे तो मैच कौन जिताएगा, कोई मैच विनर भी तो होना चाहिए ना टीम में। तो जसप्रीत बुमराह भाई खेल रहे हैं, और भाई अभी कुछ पता भी नहीं है कि विराट कोहली भाई खेल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले एबीडी लिव्स भाई ने अपनी वीडियो में बताया था कि उनके वे अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, उनके दूसरा बच्चा होने वाला है। लेकिन भाई अब एबीडी प्लस कह रहे हैं कि ये गलत था, उन्हें नहीं पता है कि क्यों नहीं खेल रहे हैं। पता नहीं भाई विराट कोहली मतलब ऐसे क्या पर्सनल रीजन है नहीं खेल रहे हैं, हालांकि कोई जरूरी होंगे इसलिए वे नहीं खेल रहे हैं। बस सब कुछ अच्छा हो, हम तो यही दुआ करेंगे कि विराट कोहली भाई के साथ सब कुछ अच्छा हो, कुछ गलत ना हो। वैसे भाई मेरी मानो तो एक ब्रेक बनता भी था, वो बंदा पिछले 15 सालों से लगातार खेलते जा रहा है, एक सीरीज में उसने ब्रेक क्या ले लिया, इंडिया की हालत पतली हो रही है। मतलब पहला टेस्ट मैच भाई हम जीत रहे थे लेकिन हम हार गए, अब पता नहीं भाई कैसे हारे लेकिन हम हार गए। अब बस यही दुआ करेंगे विराट कोहली के साथ सब कुछ अच्छा हो। और भाई श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर कर दिया है, मतलब वे कुछ अच्छा कर भी नहीं रहे थे, सुमन गिल भी अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन सुमन गिल ने लास्ट मैच में शतक लगाया था तो वे तो टीम में है, लेकिन श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि वे अनफिट है, मतलब कुछ चोट लग गई है। भाई ये तो दाल में कुछ काला है, कुछ चोट पोट नहीं लगी है मुझे तो लगता है, अच्छा नहीं खेल रहे थे, कुछ ना कुछ बहाना तो बनाते ही, तो सीधा कह दिया चोट लग रही है और तीनों टेस्ट से बाहर कर दिया। वैसे सही भी है, किसी और को मौका मिलेगा क्या पता वे बढ़िया खेल जाए। और श्रेयस अय्यर प्रैक्टिस करके आएंगे, रणजी खेल के आए भाई, कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद उनका कोई सा मैच मतलब इतना अच्छा गया नहीं है, ना ये T20 में बढ़िया खेले थे और ना ही अब टेस्ट मैच में किसी एक मैच में ही बढ़िया नहीं खेले, लेकिन वो रनआउट तो बहुत बढ़िया किया था बेन स्टोक्स को। तो गुड लक फॉर श्रेयस अय्यर, अच्छा करें और वापस टीम में आए, हम तो ये दुआ करेंगे और इंडिया मैच जीते। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई रविंद्र जडेजा के पिता ने एक इंटरव्यू के दौरान भाई बहुत बड़ी बड़ी बातों का खुलासा किया है रविंद्र जडेजा के खिलाफ। अब पता नहीं भाई कि ये सच है या झूठ, बट कोई बाप ऐसे झूठ तो नहीं बोलेगा, तो हालांकि इससे सच भी हो सकते हैं लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं है। इस पे रविंद्र जडेजा भी बाद में आएंगे, पहले हम बता देते हैं कि आपको रविंद्र जडेजा के पिताजी ने क्या कहा है। तो रविंद्र जडेजा जी के पिताजी ने कहा है इंटरव्यू में कि वे अब सोचते हैं कि उन्होंने गलत किया कि रविंद्र जडेजा को क्रिकेटर बनाया, इससे तो वे अच्छा होता कि इन्हें क्रिकेटर नहीं बनाते। हालांकि रविंद्र जडेजा की मां नहीं थी तो उनकी बहन ने उनकी परवरिश अच्छे से की थी अपनी उनकी मां के बाद, और वे उनका भी ध्यान नहीं रखते हैं। रविंद्र जडेजा अपने पिता से अपने बहन से सब नाते तोड़ती हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, ना ही उनके पिता उनसे बात करते हैं। तो भाई उन्होंने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए हैं रविंद्र जडेजा के ऊपर। अब ये कितने सच है कितने गलत ये तो अभी कुछ नहीं पता है इस पे। हालांकि रविंद्र जडेजा ने भी एक ट्विटर पे मैसेज डाला था कि दोनों तरफों का पक्ष सुनना चाहिए, तो उनकी बात भी सही है। अब देखते हैं भाई होता क्या है, क्या पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कैरन पोलार्ड के लिए। कैरन पोलार्ड भाई मुंबई का ऐसा हुक्म का इक्का हो रहे हैं, मतलब कहीं पे इधर खेलते हैं कहीं पे उधर खेलते हैं। अभी वे साउथ अफ्रीका T20 लीग में खेल रहे थे एज ए कैप्टन, मुंबई कैप्टन उनकी तरफ से, और वहां पे एलिमिनेट हो गए, तो अब वापस चले गए हैं वे दुबई। अब MI की दुबई वाली टीम में खेलेंगे, समझ रहे हो ना, मतलब अब उस टीम के कैप्टन बन चुके हैं भाई। मतलब पोलार्ड भाई कभी इधर कभी उधर, निकोलस पूरन अपनी इंटरनेशनल टीम में वापस चले गए हैं, कैप्टनसी अब नहीं कर रहे हैं, अब कैप्टनसी कैरन पोलार्ड कर रहे हैं, उनकी जगह रिप्लेस हो गए हैं कैरन पोलार्ड निकोलस पूरन की जगह। अब देखते हैं भाई इमिरेट्स क्या करते हैं, इमारात क्या करती है, हालांकि अभी तक तो बढ़िया ही कर रही है और लगता है जीत जाएगी, बट देखते हैं। कैरन पोलार्ड बढ़िया प्लेयर है भाई, कैरन पोलार्ड तो कहीं भी फिट हो जाते हैं, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब एक नंबर, तो मुंबई इंडियंस भाई उन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। सो गाइस अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आपको पता था कि कल एक फाइनल हुआ है, जो कि हुआ था सनराइजर्स ईस्टर्न केप और डरबन सुपर जायंट्स के बीच साउथ अफ्रीका T20 लीग में। उसमें भाई एक बार फिर से सनराइजर्स ईस्टर्न केप जीत चुकी है, पहला सीजन भी वही जीती थी, दूसरा सीजन भी वही जीत चुकी है। बहुत थोड़ा सनराइजर्स ईस्टर्न केप में, ईस्टर्न केप ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बनाए थे और वहीं पर डरबन सुपर जायंट 115 रन पर ऑल आउट हो गई। इस बार क्लासेन का जादू बिल्कुल नहीं चला, वो पहली गेंद पर ही आउट हो गए, अगर क्लासेन चलते तभी जीत पाती भाई, नहीं तो नहीं जीत पाती। दोबारा से जीत चुकी है सनराइजर ईस्टर्न केप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि आज होने वाला है फाइनल मैच U19 वर्ल्ड कप का, तो जिसमें पहुंच चुके हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं आज क्या होता है, उम्मीद करेंगे कि इंडिया ही जीते भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।